ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह के आवास पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां सेलवार गांव में संदेहास्पद स्थिति में कुएं के समीप मिला विवाहिता का शव। साथ ही आगे चर्चा होगी लातेहार की, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन से की डीसी से सड़क बनाने की मांग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया की गढ़वार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह के आवास पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री दानिश आजाद अंसारी एवं बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख के आवास पर हजारों कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों से नीरज शेखर के लिए आशीर्वाद मांगा। ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के स्वागत अभिनंदन के लिए भारी संख्या में जनता यहां आई थी। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने की संख्या में जनता आई है। इस दौरान मंत्री दानिश आजाद अंसारी और ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टल हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बलिया में, आज हम बलिया हैं, हर जगह केवल और केवल मोदी की गारंटी की चर्चा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में ईमानदारी से देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, जनता के तरक्की और तालीम के लिए काम किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज हमारे समाज का हर वर्ग, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पसमानदा हो, नौजवान हो, सबको ये मानता है कि मोदी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर समाज तेज़ी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और पूर्वांचल का मिजाज पूरी तरीके से कमल की तरफ है। ये 25 को और 1 को जो चुनाव है, दो चरणों में जो बाकी रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा 72 के प्रत्याशी श्री नीरज शेखर जी के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, उनके स्वागत अभिनंदन मंत्री जनता आई थी। अब जनता का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी जनता आई थी। पूरा प्रांगण भर गया था। सब लोग चाहने वाले, हम लोगों से स्नेह रखने वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। पूरा गढ़वार ब्लॉक उपस्थित था। क्या संकल्प लिया गया मन से जनता के बीच? कि जनता का विकास करना है, जनता का हर एक कार्य करना है। उनके पास पहुँच करके सारी विकास की योजनाएं जो भी हमारी सरकार देती है वो हम अपने जनता को देंगे। 1 तारीख को किस तरीके से मतदान होगा और 4 तारीख को क्या रिजल्ट रहेगा? 1 तारीख को 100% हम लोग चाहेंगे कि गढ़वार ब्लॉक से मतदान कराएं और सब लोग कमल के बटन पे वोट करके नीरज शेखर जी को विजयी बनाएं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के सेलवार गांव में कुएं के समीप एक विवाहिता का शव देखे जाने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों का कहना है कि विवाह के बाद से ही विवाहिता सुमंती देवी के साथ ससुराल वालों के द्वारा लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया जा रहा था, जिसको लेकर 2 माह पूर्व ही हंटरगंज थाने में समझौता हुआ था, जहां ससुराल वालों ने मारपीट नहीं करने की बात को लिखित तौर पर स्वीकारा था, जिसके बाद विवाहिता को वे अपने साथ वापस ससुराल ले गए थे। इस बीच आज घर के कुएं के पास से उसका शव देखे जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद ससुराल वालों के फर्द बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में विवाहिता के परिजनों का क्या कुछ कहना है। देवी कितार ज्यादा परिवार को घर सिलवार, हमारा नाम उत्तम यादव, घर बेला दहा पंचायत, और घटना रात ने जैसे 5 बजे दिन में ननद सास और माई बेटी दोनों जैसे मार के और कुएं किनारे रख दिया था। जबकि हम लोग फोन किया था, हम लोग प्रशासन ले गए तो प्रशासन भी देखा कि कुएं किनारे जैसे कि ढेला में रखा हुआ है, हमारे एक छोटा ही नहीं था। क्या कारण हत्या का, क्या कारण? अब कारण का दहेज के लिए कहा वैसे कारण है, दहेज तो सब मैंने क्लियर था, बाकी दहेज के लिए बार बार दहेज करता था। थाना में पहले आवेदन दिया? हाँ, देखिए सर, थाने के जरिए से हम लोग विदागी किए हैं। क्या फैसला हुआ था? फैसला हुआ कि ले जाइए, ऐसे आपसे मारपीट नहीं होगा, हमें रहिएगा। लड़का अभी कहाँ है? लड़का बाहर में है। क्या करता है लड़का? अब डायरी में काम करता है। क्या करता है सर? हमने लड़का बाहर में किस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं?
इस बारे में कैसे हम नहीं जान सकते हैं। भतीजी को हमारा भतीजी को सास और ननद ने हत्या कर लिया मार्ग को किनारे इंदिरा के किनारे और जैसे सुता दिया था डेला में क्रांति 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 देवी देवलाल यादव पिता को देवलाल यादव क्या कारण है हत्या का क्या कारण है हत्या का कैसे लड़ाई हुआ कहाँ हुआ से सर हम नहीं जानते हैं। पूर्व में आप लोग थाना में फैसला हुआ हाँ थाना में भी आवेदन दिए थाना के जरिए से जैसे कि विदागी हुआ थाने पर से कितना दिन पहले दो महीना जैसे रखा दूसरा महीना घटना हो ही गया। लड़का कहाँ है अभी लड़का बाहर में है क्या नाम हुआ आपका हमारा हमारा उत्तम यादव जो मृतक है उसका क्या नाम है उसको केतार ज्यादा सुमांती बच्ची सुमांती ज्यादा देवी। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है जहां जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मारंग लोहिया पंचायत स्थित बिशनपुर गांव के पिपराही टोला के ग्रामीण हल्की बारिश होने के बाद सड़क नहीं रहने के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुरुवार को जब बालूमाथ में हल्की बारिश हुई तो ग्रामीण गांव के बीचों बीच नहर में फंस गए जिसके बाद फंसे हुए ग्रामीण आनंद सिंह रामलाल भगत विकास उराव मनोज उराव सलोमी तिर्की विकास उराव मनोज उराव ने बताया कि जब भी बारिश होती है तो हम लोग अपना टोला मोहल्ला नहीं पहुँच पाते हैं। अगर इस दौरान किसी महिला या पुरुष की तबीयत खराब हो जाए तो हम लोगों के देहाती जुगाड़ से नहर पार करना पड़ता है तब जाकर हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और उपचार हो पाता है। बरसात के दिनों में तो यहां के बच्चे की शिक्षा पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जिला प्रशासन इस सड़क को बनवा देती तो हम ग्रामीणों की बुनियादी सुविधा आसानी से मिल जाती। उधर स्थानीय ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि समाज सेवियों ने लातेहार डीसी गरिमा सिंह एवं लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम से जल्द सड़क बनवाने की अपील की है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सहारनपुर के गंगो में मानवी तोमर की गला काट कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के मामले में परिवार ने सागर नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सागर के लड़की के साथ विवाद होने की फुटेज सामने आई थी। सागर उसे लगातार बता दें कि प्रपोज कर रहा था लड़की नहीं मानी तो उसने लड़की का गला रेत दिया। बीपीएस की छात्रा मानवी तोमर को आरोपी सागर लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा ने अपने परिजनों को इसके बारे में शिकायत भी की थी। परिजनों ने कई बार आरोपी को समझाया कि ऐसा ना करे लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी की पहले छात्रा के साथ कहा सुनी हुई उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जिस तरीके से दिन दहाड़े आबादी के बीच जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे लग रहा है कि आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो हत्याकांड से कुछ देर पहले आरोपी युवक वहां पर नजर आया था। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी देहात सहारनपुर सागर जैन ने क्या कुछ कहा। जी कल 22 मई को थाना गंगो पर एक कस्बा गंगो के जो बाईपास रोड है वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगो पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पर टीम्स का गठन किया गया। वहां पर आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई इसमें जानकारी पर यह पाया गया कि ये जो युवती है जो मृतका है ये ग्राम बीतिया थाना कुतुब शेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगो में वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरों में अप डाउन करती थी जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला जनपद मेरठ वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर
और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां नटराज कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई वर्षों से शहर के सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करती आ रही है। किसी श्रृंखला में हाल ही में आयोजित हुई परफॉर्मिंग आर्ट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसमें नटराज डांस इंस्टीट्यूट के बच्चों में आराधना तिवारी ने प्रथम, आराध्या सक्सेना ने द्वितीय व अद्विता तिवारी ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त कर नेपाल के काठमांडू शहर में शाहजहांपुर के नटराज डांस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। नटराज डांस इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर अशोक कुमार भरद्वाज ने बताया कि प्रतियोगिता 4 चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण बरेली में हुआ, जो मंडल स्तर पर था, फिर स्टेट लेवल पर, और तीसरा लेवल नेशनल लेवल, और उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल के लिए इन बच्चों का सिलेक्शन श्रीलंका के लिए हुआ है। शहर के मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संगीता मोहन ने सभी बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उपस्थित उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ मीडिया प्रभारी मोहम्मद रफी, गायत्री देवी, आराधना तिवारी, निशा कलर्स, दीक्षा निधि रस्तोगी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संगीता मोहन और अद्विता तिवारी का क्या कुछ कहना है। बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे शाहजहांपुर महानगर से हमारे यहाँ की 3 बच्चियाँ इंटरनेशनली परफॉर्म करके आई हैं काठमांडू में, दूसरे देश में, नेपाल में। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है बच्चों की प्रतिभा को जिन्होंने निखारा, वो हैं अशोक सर। नटराज डांस अकेडमी पिछले 17 वर्षों से हमारे शहर में चल रही है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बच्चों को ट्रेंड किया है, ना केवल बच्चियों को बल्कि लड़कों को भी, उनकी मम्मियों को भी। और जिस हिसाब से इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा, इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया कि इन्होंने इंटरनेशनली जाके परफॉर्म किया, और 7 देश वहाँ पे थे, वहाँ पे जो बच्चे ये 1st, 2nd, 3rd आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और मैं आगे भी नटराज डांस अकेडमी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ, और अशोक सर को, बच्चियों को और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, डांस एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और जो हमारे खुशी के हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि डोपामीन, सेरेटोनिन, तो स्पेशली सेरेटोनिन, जब हम कुछ ऐसा अच्छा करते हैं जो हमारी हॉबी भी है, और डांस तो इतना अच्छा एक एक्सरसाइज है कि डांस करने से सेरेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा खुश रखने में मदद करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे आजकल डिप्रेशन में जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं या एंजाइटी न्यूरोसिस का शिकार हो रहे हैं इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में, उसमें अगर बच्चे यहाँ पर आके डांस सीखते हैं तो देखिए, एक तो वो एक्सरसाइज का एक पार्ट है, दूसरा मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके की हेल्थ को मेंटेन करने में डांस बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। एक्चुअली वी हैव लॉट्स ऑफ होप्स, हम बहुत सारी उम्मीदें लेके गए थे, तैयारी बहुत अच्छी थी, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ जीत पाएंगे। अंदर से हौसला था, सर हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते रहते थे, तो हम गए, हमने दिल से तैयारी करी, हमारे हार्डवर्क, हमारी डिटर्मिनेशन ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सर के सपोर्ट ने, और हम साथ में गए, हमारे पेरेंट्स ने बहुत इसमें योगदान दिया है, और हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ये बताइए, कौन से गाने पे आपने जो है, मैंने मनमोहिनी सॉन्ग पे डांस किया था, और थीम डांस किया था जिसमें मैं विष्णु जी का अवतार मनमोहिनी बनी थी। समुद्र मंथन में से रत्नों को निकालने के समय विष्णु जी को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था, वही पूरा मैंने डांस किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा ऐसे स्वागत मेरा हुआ, जब मैं घर आई सबने आरती उतारी, मुझे माला पहनाया गया, और आज भी यहाँ मेरा सम्मान हो रहा है, और मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरा ऐसे ही सम्मान बढ़ता रहे, और इसके लिए मैं जी जान से मेहनत करती रहूँगी। अद्विता तिवारी, शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के तरहसी साप्ताहिक बाजार में मवेशी खरीदने आए मनातू के युवक की अचानक मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तरहसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कारण जानने में जुट गई। युवक के पास से 12,500 रुपए और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रुपए और मोबाइल युवक के ममेरे ससुर मंझौली 2 तहसील निवासी राजदेव यादव को पुलिस ने सौंप दिया है।
युवक की पहचान मनातू थाना क्षेत्र के बिहार गांव के रहने वाले 28 वर्षीय विनोद यादव, पिता डोमन यादव के रूप में हुई है। विनोद गांव के ही एक साथी के साथ मवेशी खरीदने के लिए तरहसी मुख्यालय में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बाइक से आया था। अचानक विनोद चक्कर खाकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। डेड बॉडी को तरस्ती बाजार में ही रखा गया है। परिजनों के आने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। संभावना है कि भीषण गर्मी और लू लगने के कारण युवक की मौत हुई है। तरहसी से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।